कोलकाता से शुरू हुई हड़ताल का असर अब पूरे देश पर पड़ने लगा है। आज दिल्ली के 18 अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इन अस्पतालों में एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। जाहिर है दिल्ली में आज हालात बिगड़ने वाले हैं। कोलकाता का बुखार आज दिल्ली के भी सिर चढ़कर बोलेगा। दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टर पहले से ही सिर पर हेलमेट और बांह पर काली पट्टी चढ़ाकर अपने बंगाल के साथियों से भाईचारा दिखा रहे थे, लेकिन आज राजधानी के बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर कामकाज ठप करेंगे। डॉक्टरों ने कल ही अपने अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर हड़ताल की खबर दे दी है। दिल्ली के 18 अस्पतालों में आज ओपीडी सेवा बंद रहेगी। कोलकाता मामले पर दिल्ली के डॉक्टरों ने की हड़ताल। राजधानी के करीब 10,000 डॉक्टर कामकाज ठप करेंगे। एम्स और सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल। हिंदूराव जीटीबी लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी हड़ताल। डॉक्टरों को हमारे को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम एक मांग करने आए हैं ताकि दूसरे जो पेशेंट उसके रिलेटिव जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको पता पड़े कि ये अहिंसा ही एक हिंसा से काम नहीं चलेगा, अहिंसा के द्वारा ही काम होता है। देश भर के डॉक्टर पहले से ही भाईचारे की मिसाल पेश करने में जी जान से लगे हैं, भले ही पेशे का फर्ज और शपथ थोड़ी देर के लिए भुलाना पड़ा। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मांग यही है कि इनकी सुरक्षा के लिए कानून बने और कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टर की पिटाई करने वालों पर एक्शन हो। साथ ही ममता बनर्जी माफी मांगे। दिलचस्प बात ये रही कि कोलकाता में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए। हालांकि देश भर में चल रही हड़ताल में अभी सिर्फ ओपीडी सेवाओं को ही रोका गया है, लेकिन दूर दराज से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इससे काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पहले आधा घंटा हमने पर्चे पर नंबर लगाया, डेट डाली, आधा घंटा फिर नंबर वाले के नंबर पर्चा जमा कर लिया। पर्चा जमा करने के बाद डॉक्टर आते हैं, कहते हैं हड़ताल, सबके पर्चे वापस दे दो। लेकिन बंगाल में होने वाले हर बवाल के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ ढूंढने वाली ममता बनर्जी डॉक्टरों की हड़ताल को भी इसी चश्मे से देख रही हैं। उन्हें यकीन है कि ये आफत भी बीजेपी की ही साजिश है। वेस्ट बंगाल इज अ पीसफुल स्टेट, इट इज द होम मिनिस्ट्री, अमित शाह इज द पार्टी प्रेसिडेंट, ही इज ट्राइंग टू एनकरेज हिज कैडर्स, क्रिएट द कंफ्यूजन, क्रिएट द कम्युनल टेंशन। उधर टीएमसी की जड़ें खोदने पर आमादा बीजेपी को डॉक्टरों की हड़ताल की शक्ल में ममता के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जूनियर डॉक्टर पर हमला करने वाले लोगों पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि वो एक खास समुदाय से हैं, साथ ही इन आरोपियों को सरकारी संरक्षण भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस मामले में दखल दे चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ममता को चिट्ठी लिखकर मामले का हल निकालने की सलाह दी है, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता पर भी वो बराबर जोर दे रहे हैं। मरीजों को जो उपचार की जो सुविधा है वो अस्पतालों में मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टरों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सुरक्षा के प्रभावी प्रबंध करने के लिए मैं स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखूंगा। उनकी सुरक्षा के संदर्भ में और ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चिंतन प्रक्रिया को और सुदृढ़ करेंगे। डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा वक्त वक्त पर काफी पहले से उठता रहा है। कई बार देश भर में इसे लेकर डॉक्टर हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन बंगाल में इस मुद्दे पर जिस तरह सियासी मिलावट हुई है, दोनों ओर से मामला नाक का बनता जा रहा है। डॉक्टरों और ममता बनर्जी की नाक के चक्कर में मरीजों की गर्दन कटने की नौबत आ पहुंची है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।